बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। तो मेरी आज की वीडियो रिज़ल्ट के हवाले से ही है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में रिज़ल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चन के आंसर दूं, और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए खुशी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से और एक मेरी तरफ से। ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं अच्छे नंबरों से, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, और जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं वो अब आगे क्या करें। सबसे पहली बात ये कि जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं या जिनका डी ग्रेड आया है, वो दिल छोटा नहीं करें, वो उन सब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करें और नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना CGPA इम्प्रूव करें। उसके लिए आपने अब सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना, अभी से आप अपनी तैयारी का आगाज़ कर दें, क्योंकि अभी आपको पता है सेमेस्टर स्टार्ट होने में 15-20 दिन लग जाने हैं। तो कोशिश करें कि तब तक आप अपना 50% 60% कोर्स कवर कर दें और तमाम वीडियोस देखें। स्टूडेंट्स, पेपर्स में कामयाबी के लिए, अच्छे नंबरों के लिए आपको आपका लेक्चर का सुनना ज़रूरी है। लेक्चर सुने बगैर अगर आप ओल्ड पेपर पे एतमाद करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बहुत अच्छे नंबर ले सकेंगे। हाँ, आप पास तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे आपके जब तक आप थारोली लेक्चर नहीं सुनते। और लेक्चर सुनने की टेक्निक यही है कि आप अपनी स्पीड 1.5-1.7 तक कर लें, आप लेक्चर जल्दी सुन सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स की समझ नहीं आती तो आप YouTube से बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें मेरे चैनल पे भी कुछ सब्जेक्ट की वीडियोस हैं, तो उनसे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं जी डबल खुशी पे। डबल खुशी क्या है? एक तो खुशी उन स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से है जिन्होंने टॉप किया है, ठीक है, उनकी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी असाइन करेगी उनको। डबल खुशी ये है कि कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप मैं भी अवार्ड करूंगा। अब वो स्कॉलरशिप कैसे अवार्ड होगी? इससे पहले भी मैंने एक स्कीम लॉन्च की थी और लास्ट सेमेस्टर में मैंने 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड की थी, ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप कैसे अवार्ड करूंगा मैं, उसके लिए आपको 1-2 वीक वेट करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक उसकी स्कीम का ऐलान कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऑफ़र करूँगा कि वो थारोली पूरे सेमेस्टर में फ्री क्विजेस, असाइनमेंट्स और GDB मुझसे ले सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह उनमें से 90% से 100% मार्क्स उनके मैं गारंटी करूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको बर वक्त क्विजेज़, असाइनमेंट्स, GDP वगैरह मिल सकें।